सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल माई पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आप लोगों की तरफ से मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स बहुत सारे रिसीव हो रहे थे कि बनीज को जो छोटे रैबिट्स होते हैं उनको कैसे पानी पिलाए। सो गाइज, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, रैबिट को अगर पानी पीनी होगी, अगर प्यास लगेगी तो वो खुद से पानी पी लेंगे। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक बोल में पानी रखना पड़ेगा या फिर फीडर की यूज़ कीजिए, वाटर फीडर की यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइज, अगर आपको लग रहा है आपकी बनी को जो है पानी की जरूरत है, बहुत दिन हो गए हैं पानी नहीं पी रही है, वो फिर भी खुद से पानी नहीं पी रहा है, देन जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, वो ट्रिक काम आएंगे। सो गाइस, जोर जबरदस्ती करके आपको पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, डेली आप उसके पास जो एक बोल में पानी रख दीजिए, वो खुद से पी लेंगे। अगर गाइस आपकी रैबिट को ऐसे हैबिट नहीं है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन को भी हिट कर दिया है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी वीडियोज अपलोड करूं तो आप लोगों के फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, आपको नॉर्मल पानी चाहिए होगा एंड उसके साथ एक ड्रॉपर चाहिए होगा जिससे आप पानी पिलाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, इससे भी अगर छोटे मुंह वाला, ज़्यादा मोटा मुंह नहीं होना चाहिए, इससे भी अगर छोटे या फिर थोड़ी सी पतले मुंह वाले होंगे तो भी चलेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरीके से पानी पिलाना है। कि रैबिट जो खाने में ज़्यादा पसंद करती है, ग्रास हो या फिर ग्रीन लीव्स जो आप देते हो वो ले लीजिए। मैंने इस तरीके का ग्रीन लीव्स ले लिया है जो मेरी बनी को पसंद है। एंड उसके साथ में एक एनिस ड्रॉपर में मैं पानी ले लूँगी, बस इतना सा करके मैं पानी लेने वाली हूँ एंड दिखाती हूँ। चलिए, मेरी रैबिट गाइस सुबह में ऑलरेडी पानी पी चुकी है, अभी उसको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आपको सबसे पहले तो एक केज के अंदर अपने रैबिट को लेना है, चाहे वो छोटे केज हो या फिर बड़े साइज़ का केज हो। एंड उसके बाद आपको और एक चीज़ का ध्यान में रखना है, जब आपको उसको पानी पिलाना है वो भूखे हो, ज़्यादातर ये आप सुबह के टाइम में ट्राई कीजिएगा ताकि वो प्यासा भी हो एंड भूखा भी हो। अगर गाइस आपके रैबिट एक हफ्ते से ज़्यादा हो गई है पानी नहीं पी रही है, या फिर उसको पानी पीने की हैबिट ही नहीं है, आप उसको पानी पिलाना चाहते हो, देन ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। डेली जो है आपको ये ट्रिक यूज़ नहीं करना होगा, आप एक बोल में पानी रख दीजिएगा तो उससे ही काम चल जाएंगे। तो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं एक हाथ से लीव्स को पकड़ी हूँ, जो लीव्स उसको पसंद है। आपके रैबिट चाहे वो ग्रास पसंद करे या फिर दूसरे लीव, आपके रैबिट के ऊपर डिपेंड है वो क्या खाना पसंद करती है। उसी होल के अंदर से, केज के एक ही होल के अंदर से आप लीव भी दीजिए एंड उसके साथ साथ आप जो है ड्रॉपर के सहायता से आप उसके मुँह के अंदर पानी भी डालते रहिए, तो वो खाते खाते पानी भी पी लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने रैबिट को पानी पिला सकते हो। एंड गाइज, ये ट्रिक आप बड़े रैबिट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, बनीस के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, एंड स्पेशली जब आपके रैबिट की रेड, एंड गाइस अगर आपके रैबिट की रेडिश यूरिन आ रही है देन ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर तभी काम आएंगे, अगर उसको पानी की ज़रूरत होंगे तो वो पानी पी लेंगे। एंड गाइस, मैं रिकमेंड करूँगी आप एक वाटर फीडर यूज़ कीजिए या फिर पानी के बोल रख दीजिए घर के कोने में, ताकि वो घूम फिर के आए एंड पानी पी सके प्यास लगे तो। तो ये ट्रिक मैं मेरी बड़े जो रैबिट है उसके ऊपर भी मैं अप्लाई करके दिखाऊँगी कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है पानी पिलाने की, कोई भी जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, वो खाते खाते आप मुँह के सामने खाना रख देंगे तो वो खाते खाते पानी भी इस तरीके से पी लेंगे। तो चलिए मैं मेरी बड़े रैबिट को भी दिखाती हूँ, ये देखिए आप इस तरीके से उसको पानी पिला सकते हो गाइस। तो ये सारे रैबिट अभी खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, सॉरी पानी पीने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सुबह में मैंने ऑलरेडी उसको पानी दी थी और वो खा भी लिया है, पी भी लिया है। तो बंगाली में खाने में एंड पीने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हम लोग बंगाली में पानी पीने को कहते हैं पानी खाना, तो इस तरीके का लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंस होती है, तो इसलिए मुझे हिंदी में बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस, ये ट्रिक अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।